नमस्कार। आज का वीडियो कुछ अलग हटकर है। अक्सर हम फिल्मों की, क्रिकेट की और दूसरी चीजों की बातें करते हैं, कभी कभी समसामयिक विषयों पर भी बात करनी चाहिए। एक घटना हुई है अभी लखनऊ में, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल एक कर्मचारी यूनियन के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और वहां हंगामा होने पर उन्हें वहां से उठकर जाना पड़ा। कर्मचारी नाराज हो गए, उनका घेराव शुरू कर दिया और गमला फेंक कर मारा, जो एक पुलिसकर्मी को लगा, लेकिन पीयूष गोयल उसमें बार बार बच गए। इस घटना का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। दरअसल पीयूष गोयल जी यूनियन के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर जो कर्मचारी थे उनके नेता शिव गोपाल मिश्र, जो कि बहुत बड़े नेता है रेलवे कर्मचारी यूनियन के, वो भी मंच पर मौजूद थे। और कर्मचारी चाहते थे कि अप्रेंटिसशिप करने वाले कर्मचारियों के बारे में कुछ रेल मंत्री अपना रवैया स्पष्ट करें। दरअसल होता है क्या कि अप्रेंटिसशिप जो लोग रेलवे में करते हैं वो ये मान लेते हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो गई, जबकि कोर्ट के नियम के अनुसार उनकी नौकरी पक्की नहीं है। उन्हें नौकरी पक्की बिल्कुल नहीं की जा सकती। कोर्ट का कहना है कि जो भी नौकरी रेलवे में दी जाए वो थ्रू प्रोसीजर के दी जाए, जो कि नौकरी का प्रोसीजर दूसरे विभागों की तरह जो फॉलो किया जाता है। कर्मचारियों को नाराजगी थी और वे रेल मंत्री से स्पष्टीकरण चाहते थे। पीयूष गोयल ने कहा कि कोर्ट के वजह से हम अप्रेंटिसशिप को नौकरी का दर्जा नहीं दे सकते। अलबत्ता रेलवे की नौकरी में उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर चुके लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, जिसके माध्यम से वे लोग फिर से नौकरी में आ सकते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कर्मचारी कुछ और चाहते थे। बहरहाल जब उन्हें अपने जवाब नहीं मिले, पीयूष गोयल ने मंच से उठते ही यह कहा कि कर्मचारी यूनियन को रेलवे को अच्छा बनाने, साफ सुथरा बनाने, उसे व्यवस्था बनाने, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि अपने कर्मचारियों को बरगलाना चाहिए। इस बात से रेलवे के जो नेता थे शिव गोपाल मिश्र, वो नाराज हो गए और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। खैर, चले गए पीयूष गोयल उठकर, लेकिन पीयूष गोयल की इस बहादुरी की मैं दाद देता हूं। मेरा मानना है कि आजाद भारत में आज तक किसी रेलवे मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कर्मचारियों को आईना दिखा सके। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत महान रेल मंत्री रहे, दुर्घटना होने पर उन्हें इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पीयूष गोयल ने भी वो बात की है जो आज तक नहीं हुई है। हम और आप अक्सर रेलवे में सफर करते हैं, मैं अक्सर ट्रेन के माध्यम से सफर करता हूं और तमाम दुश्वारियों से रूबरू होता हूं। मैंने अक्सर देखा है ट्रेनें गंदी हैं, समय पर नहीं चलती हैं, आप बुकिंग पर जाते हैं तो क्लर्क आपसे ढंग से बात नहीं करता, बदतमीजी करता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैंने कई बार देखा है कि कर्मचारी आपसे ढंग से बात नहीं करते। एक कर्मचारी को मैंने देखा है यात्रियों से कुत्ते की तरह बात करते हुए, अरे हट, इधर निकल, हट, आगे जा, ऐसे कर, वैसे कर, इस तरह का व्यवहार करते हैं। लाखों लाखों रुपए तनख्वाह है इन कर्मचारियों की, ये हमारे पैसे से ही तो इनकी तनख्वाह मिल रही है, जो हम टिकट के बदले दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। चोरी कराई जाती है रेलवे कर्मचारियों की, मिली भगत से चोरी होती है ट्रेन में। हमारे यहाँ नई नई ट्रेनें चलाई जाती हैं हर साल, लेकिन चलने के कुछ महीनों बाद ही ये खटारा होने लगती है। इसके लिए भी तो रेल यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मचारी भी जिम्मेदार है। आपको बताऊं, नई दिल्ली से जालंधर, जालंधर से नई दिल्ली, अमृतसर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से अमृतसर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि 6-7 महीने कैंसिल होने के बाद दोबारा शुरू हुई, उसमें बहुत ही लग्जरी और शानदार कोच लगाए गए, शानदार फिटिंग थी, बिजली की सभी सॉकेट लगाए गए, बेहतरीन बायो टॉयलेट्स थे। इसके अलावा अंदर जितनी भी फिटिंग थी, बाथ फिटिंग थी और टॉयलेटरी फिटिंग थी, वो सारी जैक्वार और टॉप क्वालिटी की कंपनियों की थी, लेकिन एक महीने के अंदर ही सारी की सारी ट्रेन बर्बाद हो गई। मैं मानता हूँ कि इसके लिए हम और आप भी दोषी हैं, रेल यात्री भी दोषी हैं, लेकिन सबसे बड़े दोषी वे कर्मचारी हैं जो यार्ड में खड़ी हुई ट्रेनों से चोरियां कराते हैं। जी हाँ, ये कई बार सामने आ चुका है कि रेलवे पुलिस के साथ मिलकर ये कर्मचारी चोरी कराते हैं। चंद हजार रुपए के लिए लाखों रुपए का सामान रेलवे का चोरी करा दिया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कर्मचारी किस किस तरीके से रेलवे को दीमक की तरह खा जाते हैं।
और इसके बावजूद भी हम लोग पैसे देते हैं, धक्के खाते हुए ट्रेन से सफ़र करते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि यही हमारी किस्मत में है। मैं पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बात मंच से कहने का साहस किया। हालांकि रेलवे मंत्रालय का कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 रेल मंत्री बदले गए। सबसे पहले सदानंद गौड़ा थे, उसके बाद सुरेश प्रभु आए और अब ये 3रे मंत्री हैं। जबकि मेरा मानना है कि रेलवे सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है और इसे पूरी प्रायोरिटी के साथ रेलवे को मोदी सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन इसे नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी मैं ये पीयूष गोयल जी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी किया सही किया, कर्मचारियों को कहा, बिना डरे हुए उनके सामने जाने का साहस किया, इसके लिए उन्हें बधाई। वे आगे रेलवे के काम काज को अच्छी तरह से सुधारने के लिए काम करते रहें, यही मैं आशा करता हूँ।